खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। जब से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हुआ है, तब से ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के अनोखे मामले भी सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है भुवनेश्वर से। यहां के रहने वाले हरिबंधु कन्हार ने 7 दिन पहले ही एक पुराना ऑटो खरीदा था। ये ऑटो 26,000 रुपए में खरीदा गया था, पर जब ये आदमी ऑटो लेकर घर से निकला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। उस समय हरिबंधु के पास ऑटो के कागजात नहीं थे। और फिर क्या था, पुलिस ने हरिबंधु के नाम से 47,500 रुपए का चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार ऑटो ड्राइवर ने शराब भी पी रखी थी। कितनी अजीब बात है ना, 26,000 का ऑटो अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था और 47,500 का जुर्माना भी भरना पड़ गया। एक और मामला है जो कि गुरुग्राम का है। 3 दिन पहले ही यहाँ की पुलिस ने दिनेश मदान का 23,000 रुपए का चालान काट दिया था, जबकि इस स्कूटी की कीमत मात्र 15,000 रुपए थी। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने ही एक ऑटो वाले का 32,000 रुपए का चालान काट दिया था। पुलिस के अनुसार उसका ये चालान नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा और पॉल्यूशन के डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण काटा गया था। आपको बता दें कि जब से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तब से पब्लिक भी इस तरह की मीम्स बहुत बना रही है। इस मीम में चालान भरने से पहले ऋतिक रोशन पूरा हीरोगिरी के अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चालान भरने के बाद ऋतिक रोशन बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। एक और मीम है जिसमें पब्लिक पुलिस के चालान से बचने के लिए बाइक पैदल ही बाइक के मालिक को लेकर चलने लगी है, क्योंकि पैदल चलने पर तो चालान कटता नहीं है। वैसे इन सब खबरों पर एक बार भी हंसा जा सकता है और तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीजों पर गंभीर बहस करने की जरूरत है। जिनके घर पर रोटी के ही लाले पड़े हुए हों, उनके ऊपर 47,500 रुपए का जुर्माना ठोक देना कितना जायज है? आप लोगों को शायद ये रकम ज्यादा ना लगे, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 1,000 रुपए का इंतजाम करना भी बहुत बड़ी बात है। ये भी सही है कि सरकार के द्वारा बनाए गए ये नियम जनता की सुरक्षा के लिए है, पर नियमों की कड़ाई में और जुर्माने के बीच भी एक बैलेंस होता है जो बना रहना बेहद जरूरी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।